रहा हूँ लाइन पे, गाजीपुर जिलाधिकारी को मैं लाइन पे ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ उनसे। शायद फोन वो उठा ले, रिंग जा रहा है। हेलो हेलो, हाँ यस, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, सुशील तिवारी मैं बोल रहा हूँ गाजीपुर से। बोलिए मैम। बसुका एक गांव है, हाँ, और यहाँ पे मैम लगभग सैकड़ों लोग खड़े हैं, और मैम यहाँ पे जो कि लोगों का जो कहना है, गांव पूरी तरीके से सदमे में है। बहुत समय से यहाँ पे नृत्य के नाम पे, संगीत के नाम पे मैम गलत तरीके से यहाँ पे मैम एक नकारात्मक संदेश जा रहा है। आप लोग सेवराई तहसील के हैं क्या? मैम मैं सेवराई से नहीं हूँ, मैं मेरा नाम सुशील तिवारी है, सेवराई तहसील में हूँ मैं, बसुका गांव में हूँ मैं। ठीक है, वो इन्होंने दिया है ना पत्र एसडीएम साहब को? मैम दिया है, लेकिन हमने कहा मैम आप एक ऐसी, मतलब कि मैं बताऊं, जब गाजीपुर ज़िले में आप आई लोगों को विश्वास नहीं हुआ, और सच में आप जिस विकास के रथ पे आज आपने गाजीपुर को खड़ा किया है। दिन में 10 बजे सूत के जागेला, जब बुलाईला तो उठ के भागेला, का कहीं जब केहू गांव का नाम पूछेला, हमके कितना शर्म लागेला, कितना शर्म लागेला, कितना। बसुका का ये गांव है, बहुत सारे और लोग हैं गुस्से में हैं, मैं बात करूंगा भैया, क्या बताएंगे, आपका नाम क्या है? विकास तिवारी, हिंदू युवा वाहिनी चिड़ई गाँव ब्लॉक के बनारस के महामंत्री रहे हैं हम। देखिए बहुत ये शर्म की बात है, और मैं गाँव के प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कलंक को मिटाने की जो है पहल उन्होंने किया है, और हमारा गांव वाकई बहुत बदनाम है ये, और सबको एकजुट होकर के इस कलंक को धोने की बारी आ गई है। तो हम तो यही चाहेंगे, पूरा गांव तैयार है, सेवराई चौकी, करहिया चौकी, गहमर चौकी, थाने पे एसडीएम साहब के यहाँ हर जगह दरख्वास्त की गई है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारे गाँव की आपके माध्यम से बाबा तक ये आवाज़ जाए, आप लोगों का मतलब यही योगदान हम चाहते हैं, और सारा गांव यही चाहता है कि इस कलंक से हम लोगों को छुटकारा मिले, और हमारा गांव एक सामाजिक गांव और अच्छा गांव के रूप में प्रवर्तित हो। ब्रजेश राय बहुचट। आपका नाम? मोहम्मद कलीम। आप हितारे दिन क्या कहेंगे? आप कहना यही है कि ये दोष जितना है गाँव का है सब मिट जाए तो बेहतर है, नालत का तक तो पहनना गला में अच्छा नहीं है। और बार बार वही चीज़ें सामने दिखती है, मैं ले रहा हूँ लाइन पे, गाजीपुर जिलाधिकारी को मैं लाइन पे ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ उनसे। शायद फोन वो उठा ले, रिंग जा रहा है। हेलो हेलो, हाँ यस, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, सुशील तिवारी मैं बोल रहा हूँ गाजीपुर से। मैम बसुका एक गांव है, हाँ, और यहाँ पे मैम लगभग सैकड़ों लोग खड़े हैं, और मैम यहाँ पे जो कि लोगों का जो कहना है, गांव पूरी तरीके से सदमे में है। बहुत समय से यहाँ पे नृत्य के नाम पे, संगीत के नाम पे मैम गलत तरीके से यहाँ पे मैम एक नकारात्मक संदेश जा रहा है। आप लोग सेवराई तहसील के हैं क्या? मैम मैं सेवराई से नहीं हूँ, मैं मेरा नाम सुशील तिवारी है, सेवराई तहसील में हूँ मैं, बसुका गांव में हूँ मैं। ठीक है, वो इन्होंने दिया है ना पत्र एसडीएम साहब को? मैम दिया है, लेकिन हमने कहा मैम आप एक ऐसी, मतलब कि मैं बताऊं, जब गाजीपुर ज़िले में आप आई लोगों को विश्वास नहीं हुआ, और सच में आप जिस विकास के रथ पे आज आपने गाजीपुर को खड़ा किया है, सच में ये मिसाल है, हर कौम के लोग हैं। हाँ। और मैं चाहूंगा मैम इस पे आप संज्ञान लें, छठ की पूजा हो जाए तो मैं उस बेटे को दिखवा दूंगी मैम, और मैं जरूर चाहूंगा मैम, ये मेरा नंबर है, मैं सुशील तिवारी बोल रहा हूँ, स्वतंत्र पत्रकार, क्यों निपटा के फिर मैं इसको देखती हूँ मैम, जरूर चाहूंगा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब फोन उठा लिया जिलाधिकारी महोदय ने, फोन उठा लिया कि ये मुस्लिम हैं, यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं, यहाँ पे भुनिहार भी हैं, यहाँ पे यादव भी हैं, यहाँ पे हर एक जाति के लोग यहाँ पे खड़े हैं, और मैं ज़रूर चाहूँगा आप इसे देखें और संज्ञान में लें, मैंने बात भी किया, मैं ज़रूर चाहूँगा इसे देखें। जय हिंद, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम।